ये हमारा आज का जो एग्ज़ाम चल रहा है मॉर्निंग में आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का था और इवनिंग में फार्मासिस्ट का है इसमें चालीस सेंटर हमने बनाए हुए हैं उनतीस सेंटर हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हैं ग्यारह करनाल में हैं तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लाइव सर्वेलेंस कंट्रोल रूम है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं जहाँ से ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं सारा तो हर सेंटर के अंदर जितने भी रूम्स होते हैं सब के अंदर सीसीटीवी लाइव कैमरा लगा होता है जिसकी रिकॉर्डिंग जो सेंट्रल स्टूडेंट होता है उसके अंदर स्क्रीन लगी होती है वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है कमीशन की ओर से वहाँ पर वो देखता है और हमारे इस कंट्रोल रूम में हमारे जितने अधिकारीगण हैं जिनमें सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन हैं लीगल सेक्रेटरी हैं और भी हमारे स्टाफ के जितने लोग जिनकी ड्यूटी लगी होती है यहाँ पर लाइव इसको देखते हैं और चेक करते हैं और इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जब मटेरियल जो है प्रिंटेड मटेरियल, क्वेश्चन बुकलेट जिससे हम कहते हैं वो किस रूम में आती है कितने बजे पहुँचती है हर सेंटर पर वो सारा यहाँ पर लाइव नज़र आता है और वो पैकेट्स जो हैं बंडल में से कैसे निकाले जाते हैं कितने बजे निकाले जाते हैं उन सब की जो है वहाँ पर वीडियोग्राफी लाइव होती है उसके उपरांत जब ये पैकेट सारे हर रूम के अंदर पहुँच जाते हैं तो तकरीबन हर कैंडिडेट की क्या एक्टिविटी चल रही है हर रूम के अंदर और इनविजिलेटर क्या कर रहा है वो कितना विजिलेंट है कि कोई भी माल प्रैक्टिस किसी प्रकार से ना हो तो इसको हम यहाँ से चेक करते हैं और अगर कल को एग्जाम होने के बाद हमारे पास किसी प्रकार की भी कोई कंप्लेंट आती है या डूरिंग एग्जाम आती है तो हम इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हर रूम की जो है वीडियो ग्राफी जो होती है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं और चेक करते भी हैं और उसके उपरांत ही कोई ना कोई निर्णय हम लोग लेते हैं तो एक प्रकार से सारी चीज़ों को चेक करने के लिए कि जिनको ड्यूटी पर लगाया गया था क्या वह ड्यूटी पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे जितनी हमने आउटसोरसिंग एजेंसीज़ को काम दिया हुआ है वहाँ पर जो है वो सीसीटीवी वाले मौजूद हैं या नहीं हैं कैमरा किस रूम में लगा कि नहीं लगा जैमर जो हैं रूम में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं फ्रिस्किंग किस हद तक हो रही है अप टू मार्क हुई है या नहीं हुई है बायोमेट्रिक हुई है कि नहीं हुई है तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं तो एक प्रकार से अनफेयर मीन्स का और इम्परसोनेशन जो दो चैलेंज हरियाणा के अंदर कर्मचारी चयन योग के आगे हैं उनको चेक करने के लिए उनको रोकने के लिए उनको जो है किसी भी प्रकार से किसी भी गतिविधि में वो कामयाब ना हो इसके लिए हम जो है पूरा प्रयास करते हैं और इसमें हमारे कर्मचारी चयन योग के जितने भी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं अपना पूरा समय लगाकर इसको देखते हैं और इस समय जो हमारा एग्जाम चल रहा है इसमें हम हर रूम हर कमरे के अंदर कितने कैंडिडेट बैठे हैं उनकी क्या गतिविधि चल रही है और उसके बारे में हमारा एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर सेंटर पर इस समय मौजूद है जो हमें लाइव यहाँ पर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के रूप में बैठा हुआ नजर आ रहा है अगर हमें किसी भी कैंडिडेट की कोई गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है तो तुरंत जो है सेंटर पर हमारे जो कर्मचारी स्टाफ है या अधिकारीगण हैं उनसे संपर्क करते हैं और जो भी कार्रवाई होती है तुरंत उसके ऊपर की सिस्टम अलग होता है पेपर लीकेज का मतलब होता है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले अगर वो पेपर आउट होता है दैट इज़ कार्ड लीकेज और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद अगर होता है तो उसको हम पेपर आउट कहते हैं जैसा कि उसमें कोई भी स्कूल का कॉलेज का जो स्टाफ वहाँ पर होता है इनविजिलेटर्स होते हैं अगर कोई अनफेयर मीन्स कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि नकल हो सके अनफेयर मीन्स से मतलब है नकल से तो नकल के लिए जो प्रावधान है हमारे सिस्टम फुल प्रूफ है कैंडिडेट चाहे तो तब भी नकल नहीं लगा सकता क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर पेपर हमारा जाता है वो जम्बल्ड होता है उसमें क्वेश्चन भी अलग होते हैं आंसर जो दिए होते हैं वो भी अलग होते हैं फिर भी अगर कोई प्रयास करता है अटैम्प्ट करता है तो जो है तुरंत पकड़ा जाता है और उसके ऊपर हम कार्रवाई भी हम सचिव वाला दोनों तरफ से पकड़ पुलिस ने भी पकड़ा हमने भी चेक किया तो जैसे ही हमें अपनी स्ट्रीमिंग के अंदर शक हुआ तो हमने तुरंत पुलिस अधिकारियों से बात की और उन्होंने जो है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की हमारे स्टाफ ने भी हमें इसके बारे में समय रहते जो है सूचना दी